Hello everyone, welcome to BASE. I am Ashutosh Mishra, and in this video session I am going to discuss the part 3rd syllabus of BA English Honours from Pataliputra University. In this video I will discuss the complete syllabus along with the question pattern and the book list also. Here is a brief introduction about our coaching institution named BR Advanced School of English. वी प्रोवाइड कोचिंग एंड गाइडेंस फॉर एकेडमिक इंग्लिस स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिस लिटरेचर स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड कोचिंग फॉर कंपटेटिव इंग्लिस फॉर बैंकिंग एंड एस एस सी एंड सेवरल लैंग्वेज इनरिचमेंट कोर्सेज लाइक वोबलरी एंड स्पोकन इंग्लिस यू कैन कॉन्टैक्ट एट द गि नंबर एज वी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ इंग्लिश ऑनर्स तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको चार पेपर्स पढ़ने होते हैं फाइनल ईयर में पेपर फाइव पेपर सिक्स पेपर सेवन एंड पेपर एट तो इंग्लिश जो ऑनर्स के आपके पेपर हैं वो यही चार पेपर होंगे जो आपको पढ़ने होंगे पेपर फाइव इज़ ऑफ़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पेपर सिक्स इज़ ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर पेपर सेवन इज़ ऑफ़ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड पेपर एट में आपके पास चार ऑप्शन होते हैं फर्स्ट इज़ अमेरिकन लिटरेचर सेकेंड इज़ एस थर्ड ट्रांसलेशन एंड फोर्थ जर्नलिज्म तो ये जो चार ऑप्शन हैं आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो ये जो चार ऑप्शन है पेपर एट में यानी कि अमेरिकन लिटरेचर एस ट्रांसलेशन और जर्नलिज्म इसमें से कोई एक आपको पढ़ना होता है बाकी तीनों पेपर आपको पढ़ने, तो इस तरीके से आपके चार पेपर हो जाएंगे नाउ वी विल हैव अ लुक एट द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ दीज पेपर्स इन डिटेल एज़ यू कैन सी यर दिस इज़ द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी तो पहले पेपर फाइव का देख लेते हैं पेपर फ़ाइव आपको पता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पेपर है तो इसमें आपको कुछ क्रिटिक्स के बारे में पढ़ना है और उनकी एक एक क्रिएशन एक आपको पढ़नी है फॉर एग्ज़ाम्पल एरिस्टोटल की पोइटिक्स लॉन्जाइनस की ऑन द सबलाइम हॉरेस की आर्ट्स पोइटिका जॉनसन की लाइफ ऑफ काउली ड्राइडन की एसे ऑन ड्रामेटिक पोइसी एंड मैथ्यू आर्नोल्ड के द स्टडी ऑफ पोइट्री एंड टी एस एलियट के ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट तो ये डिस्कशन किए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ इमिटेशन उन्होंने दिया है ट्रेजडी के बारे में अरिस्टोटल के क्या कॉन्सेप्ट थे तो किसी भी लिट्रे क्रिएशन को क्रिटिसाइज करने के लिए इन थ्योरीज का बहुत इम्पोर्टेंस uh, हो जाता है तो ये आपको पढ़ना है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप कोई भी चार क्रिटिक को पढ़ लेते हो तो डेट विल बी सफिशियंट फॉर योर एग्जामिनेशन तो जो चार मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो एरिस्टोटल आप पढ़ लो यू विल गो फॉर टी एस इलियट मैथ्यू आर्नल्ड ड्राइडन ये तीन पढ़ लीजिए और फिर एरिस्टोटल पढ़ लीजिए पहले एरिस्टोटल पढ़िए फिर ये तीनों तो डेट विल बी सफिशियंट फॉर योर थ्योरी पार्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो आप इसका पार्ट टू है इसी पेपर का वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है यानी कि आपको एक प्रोज और एक पोयम उसका प्रैक्ट उसको प्रैक्टिकली क्रिटिकली अप्रिशिएट करने के लिए कहा जाएगा एग्जामिनेशन में तो जो क्वेश्चन में वेटेज होता है वो होता है फोर क्रिटिकल क्रिटिसिज्म यानी कि जो आपने जो क्रिटिक्स को पढ़ा है उनसे आते हैं एंड यू हैव टू राइट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ पैसेज एंड ए पोएम फ्रॉम ग्रुप बी दैट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म तो ये थर्टी टू मार्क्स का होता है ये थोड़ा सा टफ होता है बट यू कैन इजिली डू इट वी विल हैव अ सेपरेट सेशन on how ऑन हाउ टू राइट प्रैक्टिस क्रिटिकली इवेल्युएट अगर की तीन पोयम आपको पढ़नी है सेलिंग टू बाइजेंटियम एमोंग स्किल स्कूल चिल्ड्रन एंड द सेकेंड कमिंग तो ये डब्ल्यू बीट्स की तीन पोयम हो गई फिर देन यू हैव टू गो फॉर टी एस इलियट टी एस इलियट के भी तीन पोएम हैं हॉलोमैन लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रॉक एंड जेरोंटियन कुछ लोग जेरोसियन बोलते हैं तो डब्ल्यू बी ईट्स और टी एस इलियट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पोइट हैं आपको ट्वेंटी सेंचुरी के पोएट हैं ये आप पढ़ सकते हैं देन यू विल गो फॉर जी बी सॉफ पिग्मेलियन ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रिएशन है फिर डी एच लॉरेंस की द फॉक्स अर्नेस्ट हेमिंगवे की द ओल्ड मैन एंड द सी Six egg things for that will be uh, enough for your examination point of view. Whatever I suggest is that you go for W.B. Eats, T.S. Eliot, G.B. Saw, and D.H. Lawrence, and the last, Virginia Woolf. तो ये अगर आप चार ये पांच हो जाएंगे एक तरीके से कोई भी चार आप पढ़ लो तो ऊपर के चार आप पढ़ सकते हैं डेट इज़ डब्ल्यू बी एट्स टी एस एलियट जी बी सॉ एंड डी एच लॉरेंस चार एक्सप्लानशन पूछे जाएंगे यानी कि उन्हीं की पोएम्स की कुछ लाइन एक्सट्रैक्ट जिनको आपको एक्सप्लेन करना होगा और फोर क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे एट अल्टरनेटिवस रहेंगे यानी कि हर राइटर से एक एक क्वेश्चन तो रहेगा ही मिनिमम तो चार राइटर अगर आपके तैयार हो जाते हैं तो डेट विल बी एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो अब आते हैं पेपर सेवन पे पेपर सेवन इज द पेपर ऑफ़ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इसका जो ग्रुप ए है वो इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश है यानी कि कुछ पोट्रीज पढ़नी है आपको देर आर एलेवन पोएट्रीज इन द सिलेबस अलग अलग राइटर्स की हैं फॉर एग्जाम्पल एच एल वी डेरोजियो इनकी पोट्री नाम की ही एक पोएम है वो पढ़नी है फिर रविंद्रनाथ टैगोर की हैवन ऑफ फ्रीडम छोटी छोटी पोएम्स हैं ये यू कैन ईजिली रीड दिस पोएम इन जस्ट वन एंड टू आवर्स पोएम भी पढ़ सकते हैं और उसकी एनालिसिस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं फिर श्री और बिंदो की द टाइगर एंड द डियर फिर तौर दत्त की आवर आ, कैजुरियाना ट्री सरोजनी नायडू की द दो दोल स्प्रेयर एस के खेड़ा कुमार और शिव कृष्णा कुमार आई थिंक इंडियन वेमेन बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जयंत महापात्रा की डॉनेट पुरी, तो इसमें मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा कि यू विल गो फॉर

बाकी की पोएम्स आप छोड़ सकते हैं अगर आप सारी पढ़ना चाहें तो सारी पढ़िए इट्स अ वेरी गुड थिंग फिर ग्रुप बी जो है वो आपका कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्वामी विवेकानंद का द सीक्रेट ऑफ वर्क जवाहरलाल नेहरू की द वेराइटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया महात्मा गांधी की ट्रुथ एंड अहिंसा एंड आर के नारायण की एन एस्ट्रोलॉजस्ट डे तो ये चारों आप पढ़ सकते हैं इधर आप इन्हीं तीन को भी पढ़ लेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट होगा एंड इन माई ओपिनियन यू शुड गो फॉर स्वामी विवेकानंद जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी चारों इसमें ऐसा कुछ है नहीं आ, कि जिसको कट किया जाए ये आर्टिकल्स आपके लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं यू शुड मस्ट रीड दीज आर्टिकल्स और यू मस्ट रीड दीज आर्टिकल्स फिर आप आ, इसी में राजा राव और के अब्बास ये तो छोड़ सकते हैं फिर ग्रुप सी इंडियन फिक्शन का है यानी कि ये कुछ नॉवेल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं फॉर एग्जाम्पल मुल्क राज आनंद की अनटचेबल्स आपके सिलेबस में है आर के नारायण की वेटिंग फॉर द महात्मा Uh, के देसाई की दे इनहेरिटेंस इन्हे, ऑफ लॉस के मार्किंडिया की नेक्टर इन एंड अरुंधति रॉय की द गॉड गो फॉर मुल्कराज आनंद अरुंधति रॉय एंड आर के नारायण ये तीन बहुत पॉपुलर हैं, इनको जरूर पढ़िए तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होगा इस पेपर में आपका यानी कि पेपर सेवन में तो दो एक्सप्लेनेशन आपको ग्रुप ए से आएंगे ग्रुप ए से कहने का मतलब है कि पोइट्री वाले पार्ट से दो एक्सप्लेनेशन पूछे जाएंगे तो अगर आप सेवन पोएट्री पढ़ लेंगे तो वो दो एक्सप्लेनेशन ईजिली निकल जाएंगे आपके पास ऑप्शन रहेंगे एग्जामिनेशन में ढेर सारे तो ये ट्वेंटी मार्क्स का हो जाएगा देन यू कैन यू विल यू विल बी आस्ट फोर क्रिटिकल क्वेश्चन वन फ्रॉम ग्रुप ए वन फ्रॉम ग्रुप बी एंड टू फ्रॉम ग्रुप सी इसका सिंपल सा मतलब है कि एक आपको पोइट्री से रहेगा दूसरा वाला जो आर्टिकल वाला सेशन था यानी कि प्रोज वाला जो सेशन था उससे रहेगा और ग्रुप सी कहने का मतलब है कि नॉवेल्स वाला जो पोर्शन था उससे रहेगा तो ये आप क्लियर कर पा रहे हैं तो आपको वो पोइट्री भी से भी क्रिटिकल क्वेश्चन रहेंगे कोई एक क्वेश्चन फिर जो आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं उससे कोई एक क्वेश्चन रहेगा और फिर ग्रुप सी यानी कि जो नावल्स आपने पढ़े हैं जो फिक्शनल नावल्स हैं उनसे भी दो क्वेश्चन रहेंगे तो कोई तीन नावल्स आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है सो दिस विल बी द क्वेश्चन पैटर्न फॉर पेपर सेवन अब आते हैं लास्ट पेपर हमारा जो पेपर एट है पेपर एट में आपके पास ऑप्शन है या तो आप अमेरिकन लिटरेचर पढ़ लो ठीक है तो या फिर अगर आपके पास टाइम कम है तो गो फॉर एस देन अगर जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आगे अगर आप ट्रांसलेशन वगैरह के बारे में कुछ एज ए ट्रांसलेटर जॉब अगर आप देखना चाह रहे हैं या ट्रांसलेशन में इंटरेस्ट है तो यू कैन ऑप्ट ट्रांसलेशन इन चारों पेपर में से कोई एक पेपर आपको ऑप्ट करना है इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे सिर्फ uh, ट्रांसलेशन में आपको जैसे ग्रुप ए में दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन ऐसा नहीं होता है कि एग्जामिनेशन में ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है वो आपको ट्रांसलेट करना है उससे भी क्वेश्चन रहेंगे एक पैसेज रहेगा हिंदी और इंग्लिश का जिसको uh, आपको इंग्लिश टू हिंदी करना होगा या हिंदी टू इंग्लिश करना होगा वो तो रहेगा ही लेकिन जो ट्रांसलेशन के थ्योरीज हैं फॉर एग्जाम्पल फीचर के बारे में जाता है। मैं जो सजेस्ट करूंगा कि यू मस्ट गो फॉर अमेरिकन लिटरेचर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट करियर इन इंग्लिश लिटरेचर तो आप अमेरिकन लिटरेचर एक बार पढ़ लीजिए ये काफी काम का आएगा वॉल्ट वेटमेन की कुछ पोएम्स हैं सॉन्ग ऑफ जॉयज पैसेज टू इंडिया प्रेयर ऑफ कोलम्बस रॉबर्ट फ्रास्ट की पोएम यू माइट बी एक्वेंटेड विथ रॉबर्ट फ्रास्ट इन योर स्कूल डेज आई थिंक यू मस्ट हैव रेड स्टॉपिंग बाई ए स्नोई इवनिंग द रोड नॉट टेकन नथिंग गोल्ड कैन स्टे एंड फायर एंड आइस फिर एमिली एलिटेकेंशन की भी पोएम है आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस दीज आर डेज अ बर्ड केम डाउन द वॉक तो ये तीन राइटर्स मेजर हो गए जिनकी पोएम्स आपको पढ़नी हैं फिर आर्थर मिलर की एक बुक है ऑल माई सन्स वो पढ़नी है मार्क ट्वेन के हकल फिन मेलविले की बिली बर्ड टेनेसी विलियम्स की द ग्लास मिनेजरी बहुत अच्छी क्रिएशन है हेनरी जेम्स की द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन सो दिस इज द सिलेबस ऑफ अमेरिकन लिटरेचर आई होप आपको सिलेबस बहुत क्लियर हो गया होगा चारों पेपर का थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल